रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के दौरान जब लोग सांसद को चुनने का काम कर रहे हैं, इस बीच गुमशुदा एक सांसद के बारे में जो सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, वह जानकर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पुलिस इस बात की आशंका जता रही है कि गुमशुदा सांसद की हत्या के बाद उनकी लाश के टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर 3 दिनों तक कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए गए। यह लापता सांसद जिनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है, वह बांग्लादेश के हैं, पर अभी तक हत्या का मकसद और पूरी साजिश के बारे में कुछ अता पता नहीं लगा है। बता दें कि बांग्लादेश से 12 मई को इलाज कराने के लिए कोलकाता पहुंचे मोहम्मद अनवारुल अजीम की हत्या कर दी गई है। पुलिस सूत्रों से मिली खबर पर यकीन किया जाए तो बांग्लादेश की आवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम की 13 मई को ही कोलकाता के न्यू टाउन के एक फ्लैट में हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस को अभी तक सांसद अनवारुल अजीम का शव तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को आशंका है कि उनकी हत्या के बाद उन्हें टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग में भरकर कहीं फेंका गया है। दरअसल सांसद अनवारुल अजीम की गुमशुदगी के सिलसिले में तफ्तीश कर रही कोलकाता पुलिस को न्यू टाउन के इलाके में मौजूद उस फ्लैट से कुछ खून के धब्बे और प्लास्टिक के बैग मिले हैं। पुलिस का अंदाजा है कि अनवारुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज के वार से करके की गई है और फिर उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। गर्मी की वजह से शव को सड़ने से बचाने के लिए टुकड़ों में काटकर एक बड़े फ्रीजर में रखा गया और वो छोटे छोटे टुकड़े प्लास्टिक के बैग में भरकर कहीं ठिकाने लगा दिए गए। पुलिस को ये भी आशंका है कि ये सारा काम 14, 15 और 18 मई को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि सांसद का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के फ्लैट में उनका मर्डर कर शव को कई टुकड़ों में ठिकाने लगाया गया है। दरअसल बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम कोलकाता विजिट पर आए थे। 13 मई से वो लापता चल रहे थे। उनकी बेटी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब वो संपर्क नहीं कर पाई तो उन्होंने भारत में अपने परिचित गोपाल विश्वास से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने बड़ा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही कोलकाता पुलिस की एक एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। अब मर्डर का दावा होने के बाद मामले की जांच बंगाल सीआईडी को सौंपी गई। बंगाल की पुलिस भी मामले को सुलझाने में जुटी है। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने बुधवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सांसद की हत्या बड़ी प्लानिंग के तहत कोलकाता के एक फ्लैट में की गई है। हत्या किसने और क्यों, इसका पता लगाने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों की पुलिस ने मिलकर एक साथ काम शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल सीआईडी के आईजी अखिलेश चतुर्वेदी के मुताबिक उन्हें बुधवार को ही एक इनपुट मिला था कि सांसद का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद उस फ्लैट का पता लगाया गया जहां वह रुके थे। इस मामले की जांच अब सीआईडी कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीआईडी शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने के संभावित पहलू की जांच कर रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या पुलिस को कोलकाता के बाहरी इलाके न्यू टाउन में लग्जरी कंडोमिनियम के अपार्टमेंट में खून के धब्बे मिले हैं जहां सांसद का आखिरी बार 13 मई को पता चला था,
आईजी ने पुष्टि की कि फ्लैट का मालिक राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का एक कर्मचारी संजीव घोष है, जिसने इसे अमेरिकी नागरिक अख्तरुज्जमा को किराए पर दिया था। सांसद के साथ दो पुरुष और एक महिला भी फ्लैट में मौजूद थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब अनवर ने अपार्टमेंट में एंट्री की थी तो उसके साथ दो पुरुष और एक महिला भी थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो अनजान पुरुष और महिला 15 मई से 17 मई के बीच कई बार फ्लैट से बाहर निकले, मगर एक बार भी सांसद इसमें नहीं दिखे। पुलिस का अनुमान है कि जिस दौरान वो महिला और पुरुष उस फ्लैट से बाहर निकले तो हर बार वो सांसद अनवारुल के टुकड़ों को साथ में लेकर निकले होंगे और उन्हें जहां तहां फेंक दिया हो। मुमकिन है कि टुकड़ों को ऐसी जगह फेंका गया हो जहां उसे जंगली जानवर या मछलियां आसानी से खा लें, ताकि सबूत मिलने की गुंजाइश ही न रहे। सीआईडी आईजी अखिलेश चतुर्वेदी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम मौकाए वारदात की छानबीन कर रही है और मुमकिन है जल्दी इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर दिया जाए। सांसद के परिचित गोपाल विश्वास ने आरोप लगाया कि एक दिन के बाद उन्हें सांसद के फोन से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला था, जिसमें कहा गया था कि वह जरूरी काम से दिल्ली जा रहे हैं और वह उन्हें फोन न करें। 15 मई की सुबह उन्हें सांसद के फोन से एक और मैसेज मिला, जिसमें पुष्टि की गई कि वह दिल्ली पहुंच गए हैं और वीआईपी लोगों के साथ हैं। विश्वास ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश सांसद 17 मई से संपर्क में नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें एक दिन बाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करानी पड़ी थी। फिलहाल इस मामले से भारत से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप मचा हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।